नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी का बेसिक जो क्वेश्चन है अपने स्टार्ट कर रखा था। बायोलॉजी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पार्ट नंबर 2, यहां से क्वेश्चन नंबर 40 तक अपने डिस्कस कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर अगर आज आप देखेंगे, स्पर्मोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ, देखो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट कहते हैं अक्सर हिंदी में, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। देखो ये पेपर जो है वो तो हिंदी इंग्लिश बराबर ही है, क्योंकि सिंपल टर्म है, कुछ है ही नहीं इसमें। और मैं हिंदी में तो बोलता ही, अपन बात भी हिंदी में करते हैं। स्पर्मोलॉजी किस ब्रांच को कहते हैं ये पूछा गया है, डील विद स्टडी ऑफ किसके अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पर सीड दिया हुआ है, लीव्स दी हुई है, पोलन ग्रेन दी हुई, फ्रूट। तो सीड के या बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, कलकत्ता, जम्मू, तो कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। ये क्वेश्चन जो है, जो भी इस पेपर में क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको देखना, RPSC के फर्स्ट ग्रेड में या किसी भी स्टेट के या बायोलॉजी के MCQ सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, ये क्वेश्चन जरूर नया है, अपने काम का भी नहीं है, हो सकता है लेकिन कभी रेंडमली पूछा जाए कि मेडिसिन के जो फादर हैं वो किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं भाई। हिप्पोक्रेट्स जो है वो मेडिसिन के, औषधि के फादर हैं, जो यूनानी वैज्ञानिक है वो रहे हैं। पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेलिनोलॉजी किसे कहते हैं, तो पेलिनोलॉजी नाम से भी है, ग्रासेस, पोलन ग्रेन, फॉसिल्स और ये। तो यहाँ पर पेलिनोलॉजी जो है, पेलिनोलॉजी देखो पोलन ग्रेन का आएगा इसमें ना, फॉसिल्स तो है नहीं, पेलियोनोबॉटनी का नाम से अपन जानते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं यहां पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, MOP आयंगर वॉज फेमस, जो साइंटिस्ट है आयंगर, OP आयंगर के नाम से भी अपन जानते हैं, क्या है, तो सीधी सी बात है, फादर ऑफ एल्गी है। एल्गी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अपन क्या कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फेमस फॉर, किसके लिए संबंधित है, माइकोलॉजिस्ट के लिए तो बल्टर है ना, बटलर कह सकते हैं, टेरिडोलॉजिस्ट अलग है, और पेडोलॉजी जो है सॉइल के अध्ययन को कहते हैं। तो इनका जो संबंध है वो किससे है भाई, एल्गी के अध्ययन से है। ये एक फाइकोलॉजिस्ट है जिसे फादर ऑफ एल्गी या फादर ऑफ सेवाल या फादर ऑफ फाइकोलॉजिस्ट के, फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछली बार आया था शायद 2015 वाले में या 20 वाले में आया था, है ना, 20 वाले में आ चुका है, स्टेफन हेल्स, पादपों के कार्य की के फादर जो हैं या प्लांट फिजियोलॉजी जो है उनके फादर है, स्टेफन हेल्स को कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इस नाम से पूछा जाए या फिर पैथोलॉजी के नाम से पूछा जाए, प्लांट पैथोलॉजी, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर ये बल्टर के नाम से है, बटलर है ना, यहाँ पर मुकुंदर केसी मेहता, राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, बटलर के नाम से आ जाएगा, जो इंडियन माइकोलॉजी मतलब फंजाई के और अपने जो प्लांट के अंदर डिजीज की जाती है फंजाई के द्वारा, या फिर प्लांट पैथोलॉजी अपन जिसे कह सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच हो या माइकोलॉजी ब्रांच हो, दोनों के जो पितामह है इंडियन फादर, उसे किसको कहा जाता है, तो बटलर को कहा जाता है। आगे अपन देखेंगे रामदेव मिश्रा जो साइंटिस्ट अपन सभी जानते हैं, ये इकोलॉजी के इंडियन फादर हैं, इंडियन फादर किसके, इकोलॉजी के। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक इकोलॉजिस्ट है और क्या है, ये इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजिस्ट के नाम से भी, इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत के अंदर
हरित क्रांति के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसमें पूछा गया था कि ये कौन इनका जो अध्ययन है कहाँ के थे, कहाँ इनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट या कहाँ पे काम करते थे, तो मद्रास के थे भाई, मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क करने थे, चेन्नई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। और वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वॉरलॉग, ये उनके ही क्या थे, स्टूडेंट थे भाई। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या कहते हैं इसे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। वॉज इनिशियली सेटअप, जब ये शुरू में स्टार्टिंग में इनकी स्थापना हुई थी तो वो स्थापना कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया है, तो यहाँ पर बंगाल, बिहार, यूपी और उड़ीसा। वर्तमान में कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है, और CSIR जो कैंपस है उसी के अंदर है, CSIR कैंपस और ये दोनों क्या है, पास पास में है, IARI। अब और स्टार्टिंग में जब इसका इस्टेब्लिश हुआ था तो कहाँ पे हुआ था भाई, बिहार हुआ था, बिहार से इसको दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ए पेपर वॉज पब्लिश इन ए जर्नल ऑफ फ्लोरा ऑफ डिस्ट मेरठ, इस नाम से, फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ, इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी शुड दिस पेपर विल बी प्लेस्ड, किस ब्रांच में रखा गया बॉटनी की ये। तो सीधी सी बात है, फ्लोरा का जब अध्ययन किया जाता है तो अपन उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड उनका अध्ययन करते हैं अपन फ्लोरा का, तो यहाँ पर किस में रखेंगे अपन इसे, टैक्सोनॉमी के अंदर रखा जाएगा ये, तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर रखी गई है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेम द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इन्वॉल्व इन द आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स इन विट्रो, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स, आपने क्या किया है, ये प्लांट सेल है जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ये अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर सेल वॉल को तोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन युक्त कोशिका को बाहर निकाल लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। दो प्रोटोप्लास्ट को अपन क्या कर सकते हैं, इनको फ्यूज करवा सकते हैं और एक हाइब्रिड सेल जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, ये किस ब्रांच में किया गया है, अभी प्लांट टिश्यू कल्चर ब्रांच के अंदर ये प्रैक्टिकल है या फिर ये टर्म है वो यूज़ में लिया जाता है, जिसमें प्लांट की नई वेराइटी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 53, वन एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है भैया, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 0.0001 माइक्रोमीटर। यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है ना, छोटे छोटे ये डिजिट्स हैं, याद रहे तो रख लेना, कहीं लिख लेना रजिस्टर के अंदर, छोटे छोटे मेंशन जरूर कर लिया करो ये चीज़ें, कि क्या पता कब कोई एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। 1 मिली माइक्रोन, ठीक है ना, 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 10 × -, यहाँ पर mm, मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये क्या है भाई, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर को भी अपन कैसे लिखते हैं, 10 to power -9। वॉट इज द वैल्यू ऑफ एंगस्ट्रॉम इन मीटर, एक मीटर में इसकी जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है वो कितनी होती है भाई, 10 to power -10 होती है। क्वेश्चन नंबर 56, नैनोमीटर NM हैज अनदर नेम, नैनोमीटर का अगला जो दूसरा जो नाम है वो मैंने अभी भी बताया है आपको, मिली माइक्रोन, यहाँ पे मिली माइक्रोन ये इसका दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो कितना होता है भाई, 10 to power -9 मीटर होता है, वो जो क्वेश्चन आ चुका है पहले ऊपर। अगला क्वेश्चन में इसमें अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर
58 में नेम द मैनेजमेंट सिस्टम विच डील विद द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टिम्बर प्लांट्स। जो भी प्लांट्स जिनसे लकड़ियों के सामान बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं या कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो मजबूत लकड़ियाँ जो होती हैं, उन प्लांट्स का यहाँ पर पूछा गया है इकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल एस्टैब्लिशमेंट, उनकी स्थापना, ग्रोथ उनकी वृद्धि और उनमें जनन, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, भाई सिल्वीकल्चर के अंदर किया जाता है। फॉरेस्ट से संबंधित अध्ययन जो होता है वो भी सिल्वीकल्चर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिल्वीकल्चर। देखो आगे अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, द ब्रांच बोटनी डीलिंग विद इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज नोन एज, ठीक है ना, साइंस की वह ब्रांच जो किसी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के साथ में इंट्रैक्शन शो करती है, ये ऑर्गेनिज्म है और ये इसका क्लाइमेट है, ये इसके साथ इंट्रैक्शन करते हैं और ये इसके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं। तो जीव और जीवों के आसपास उपस्थित एनवायरनमेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है या अंतर संबंध होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, इकोलॉजी आ जाएगा, ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद इंट्रैक्शन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट नोन एज इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, ठीक है ना, न्यूक्लियस से संबंध कैरियो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो टाइप, कैरियो टाइप का मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियस में उपस्थित गुणसूत्रों को उनकी साइज के अनुसार अरेंज करना, इस प्रकार से उसे अपन क्या कहते हैं, कैरियो टाइप कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन के दौरान एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये कह सकते हैं अपन डाइकैरियोसिस कह सकते हैं, जब दो केंद्रक उपस्थित प्रेजेंट हो, डाइकैरियन, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से, तो ये आपको कैरियन ढूंढना है, न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी और कैरियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे द डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, इनहेरिटेंस मतलब आनुवंशिकी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं भाई, सीधी सी है, जेनेटिक्स कहते हैं, मेंडल इसके पितामह कहलाते हैं। द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर या उसमें उपस्थित गुणसूत्र की स्ट्रक्चर, उनके अरेंजमेंट, साइटोलॉजी कहलाता भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के विभिन्न भागों पर जीवों का वितरण क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे दो टर्म पूछा गया है, ये अर्थ का कोई भी सरफेस एरिया है, कोई जीव यहाँ पे इस ग्रुप में पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों का ग्रुप है, ठीक है। यदि इसमें जीवों का नाम ना दिया हो, डायरेक्ट पूछा गया हो जीव, तो जीव का मतलब तो प्लांट और एनिमल जो है, प्राणी और पादप दोनों आ गए, तो जब दोनों आ जाते हैं उसे तो अपन कहते हैं बायो जियोग्राफी। यदि केवल प्राणी पूछते तो जियो ये मतलब जू जियोलॉजी, केवल प्लांट का पूछते तो फाइटो जियोलॉजी, केवल जगह का पूछते तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी जमीन, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र जो है उनके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना तो राइट आंसर कौन सा आएगा, बायो जियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिज्म पूछा, ना ही तो एनिमल पूछा है ना ही प्लांट पूछा है, दोनों को मर्ज करके इन्होंने पूछा है, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा बायो जियोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड टू स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूज में लेते हुए अपन क्या करते हैं, बायोलॉजी को अगर सोल्व करें अपन और उसको अप्लाई करें, मैथमेटिक्स को जो अपन पढ़ते हैं, बायोस्टेट्स जो पढ़ते हैं, तो बायोस्टेटिक्स जो होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बायोमेट्री, इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, बायोमेट्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में डिटरमाइन या डिटरमिनेशन एज ऑफ ट्री, ये क्वेश्चन भी भाई आ चुका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डिटरमिनेशन ऑफ एज ट्री काउंटिंग बाय द एनुअल रिंग, ठीक है ना। तो एनुअल रिंग जो प्लांट में बनती है स्टेम के अंदर, इस प्रकार से एक साल में एक रिंग बनती है जाइलम के द्वारा, हार्डवुड के द्वारा,
ठीक है, किसके द्वारा, हार्डवुड के द्वारा बनाई जाती है। इनके अध्ययन को, अपने इन रिंग को अध्ययन को काउंट करके एज का ज्ञात करना क्या कहलाता है भाई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो प्लांट के रिंग को काउंट करते हुए, एनुअल रिंग को काउंट करते हुए प्लांट की एज ज्ञात करना, उम्र ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन एंटीजन एंड एंटीबॉडी नोन एज, एंटीबॉडी और एंटीजन के इंट्रैक्शन के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर क्रायोलॉजी, यहाँ पर हर्पिटोलॉजी और सीरोलॉजी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। कई क्वेश्चन तो बेसिक हैं, लेकिन बेसिक ही बायोलॉजी अपन क्वेश्चन, ये जो चैप्टर चल रहा है अपना, ये मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब मैंने ये क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा रियल में कि सभी के साथ में ये क्वेश्चन सबको शेयर जरूर करना चाहिए, कि जब एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो बेसिक क्वेश्चन सब वो हमेशा उनको मार देते हैं, बेसिक क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाते। कई बेसिक क्वेश्चंस ऐसे अपने सामने कभी आए ही नहीं है, इसलिए बेसिक क्वेश्चंस है वो काफ़ी समझ में आ जाएंगे आपको। द ब्रांच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियो, ठीक है, असामान्य भ्रूण के अध्ययन को या असामान्य भ्रूण को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अध्ययन को यहाँ पर जेरेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी तो सामान्य आ गई, टेरिटोलॉजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो असामान्य भ्रूणीय विकास का अध्ययन, उसका अध्ययन जो करते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसे कहते हैं अपन टेरिटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी याद कर लेना। 68 में देखेंगे द साइंस नेम ऑफ प्लांट इज नोन एज, ये तो सीधा से यह प्लांट का नामकरण जो किया जाता है नॉमनक्लेचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, जहाँ पर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है IFS, वहाँ की इनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून के अंदर। तो राइट आंसर आ जाएगा 70 में देखोगे द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द सर्प्स एंड ट्रीज, झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी दिया हुआ है, एंथोलॉजी दिया हुआ है, पेलिनोलॉजी दिया हुआ है और पोमोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है ना। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये अपना जो पार्ट सेकंड था, यहाँ पे अपन कंप्लीट करते हैं, और इसी प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन से जो डेली अपन डिस्कस करेंगे, शायद हो सकते हैं 100 से 150-200 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन से। तो सभी स्टूडेंट्स डेली अपने चैनल के ऊपर बने रहिए, और इसी प्रकार आप लोग अपना रेस्पॉन्स देते रहिए। आज के लिए अपनी यही क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज़।